नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। पीएलएफआई उग्रवादी भी अब बाइक चोरी गिरोह चला रहे हैं। मांगी बाइक चोरी कर कम कीमत में बेचते हैं। इसके साथ साथ चोरी की बाइक से उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते हैं। इसका रांची पुलिस ने खुलासा करने में सफलता हासिल की है। चान्हो थाना क्षेत्र से पुलिस ने पीएलएफआई उग्रवादी सुनील कुमार साहू और उसके सहयोगी अंकित विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी के साथ ही बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। इनकी निशानदेही पर चोरी के 6 बाइक बरामद किए गए हैं। पीएलएफआई उग्रवादी सुनील कुमार साहू पर 8 मामले दर्ज हैं। यह कृष्णा यादव के लिए काम करता था। इसके खिलाफ कुडू थाना क्षेत्र में पीएलएफआई से जुड़े 2 मामले दर्ज हैं। साथ ही चोरी, छिनतई और लूट की आपराधिक वारदातों को भी यह अंजाम देता था। इसके साथ ही अंकित विश्वकर्मा के खिलाफ खिलाड़ी मैकलुस्की गंज और चान्हो थाना में केस दर्ज है। जब हम लोग उनसे कड़ाई से पूछताछ किए तो पता चला कि ये बेसिकली एक गिरोह में काम करते हैं, जो हर जगह बाइक को चोरी करते हैं। फिर इनके साथ एक मेंबर होता है जो सस्ते में बाइक को किसी को बेच देते हैं। फॉर एग्जांपल टीवीएस अपाचे है, जो 1 से 1.5 लाख का बाइक है, लेकिन ये किसी को भी 20-25 हज़ार में बेच देते हैं, क्योंकि ये चोरी है, इनका तो एफर्ट जीरो है। तो इसी तरह से इनके पूछताछ करने पर इनके साथ में काम करने वाले एक और व्यक्ति हैं अंकित विश्वकर्मा, उसको भी हम लोगों ने हिरासत में लिया है।